शेख हसीना की मदद करेगा भारत बांग्लादेश सेना के संपर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत ने सोमवार शाम को यहां पहुंची बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का आश्वासन दिया है और उन्हें भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए समय दिया है, सूत्रों ने बताया। संसद भवन में राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत उस देश में 10,000 से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सेना के संपर्क में है, सूत्रों ने बताया। बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में आज संसद में एक सर्वदलीय बैठक को जानकारी दी, दिए गए सर्वसम्मति समर्थन और समझ की सराहना करता हूं। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में एक सर्वदलीय बैठक को जानकारी दी है। चिदंबरम ने पीटीआई से कहा, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ है, हालांकि वे बैठक में मौजूद नहीं थे। नौकरी कोटा को लेकर सड़कों पर हुए असाधारण विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश अनिश्चितता में डूब गया। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, डीएमके नेता टीआर बालू, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले समेत अन्य लोग शामिल हुए। शेख हसीना अभी भी भारत में है। शेख हसीना के अगले 48-78 घंटे भारत में रहने की संभावना है, जब तक कि उन्हें अपनी पसंद के देश से राजनीतिक शरण नहीं मिल जाती। ब्रिटेन यूएई में शरण मिलने की संभावना है। यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों में शरण मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शेख हसीना के लिए आखिरी विकल्प भारत में ही रहना होगा, जो इस समय बेहद असंभव है। भारतीय सुरक्षा शीर्ष अधिकारी भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश वायुसेना के विमान अपने बेस पर लौट गए हैं या किसी अज्ञात स्थान पर पार्क कर दिए गए हैं।